इसराइल के दो बहुत ही खतरनाक दुश्मनों ने एक बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है और इसके लिए 5 लाख सैनिक भी तैयार हो चुके हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसराइल के इन दोनों दुश्मनों ने अपने हथियार 16 दिन पहले ही दिखा दिए थे और इसराइल इस खतरे से अनजान रहा और तस्वीर अब सबके साथ है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही जंग का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं ईरान और यमन, जिन्होंने युद्ध से ठीक 17 दिन पहले कुछ ऐसा किया कि डर अमेरिका तक फैल गया। दो देश, दो परे, सौ से अधिक मिसाइल और ड्रोन जैसे घातक हथियार, लेकिन टारगेट एक, ये है इसराइल, जो इस वक्त खुद को हमास से बचाने के लिए गाजा की चौतरफा निगरानी में जुट गया है। लेकिन असली खतरा तो कहीं और से आ सकता है। हमास और इसराइल के युद्ध के ठीक पहले हथियारों का बहुत बड़ा शो किया गया। ईरान की यह ताकत दुनिया ने बहुत देखी है। आप यमन की भी पावर देखिए। ये वो देश है जिसने 9 साल से गृह युद्ध झेला, वो अब अपनी ताकत दिखा रहा है। यमन वो देश है जिसने पिछले 8 वर्षों से सऊदी अरब और उसके 15 साथी देशों से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा, ब्रिटेन भी रहा और इसराइल ने भी यमन के खिलाफ मदद की। वो यमन अब अमेरिका और इसराइल दोनों को ललकार रहा है। युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा, आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, इसे खाड़ी कहिए या फिर मिडिल ईस्ट, नाम कितने भी हों, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है। पिछले 4 दशकों से यह इलाका युद्ध देख रहा है और अब एक बार फिर यमन और ईरान ने अपनी परेड दिखाकर बता दिया है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक तरह से कहा जाए तो यमन और ईरान ने मिलकर डबल धमाका कर दिया है। जब से यमन और ईरान ने बैक टू बैक 2 परेड निकाली है, इसे इसराइल के खिलाफ निकाली गई तबाही की परेड कहा जा रहा है। इसे देखकर इसराइल से ज्यादा अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि यही अब 2 दुश्मन हैं जिनसे ईरान अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। हमास को लेकर यमन और ईरान के साथ अब सऊदी अरब से लेकर कतर और मिस्र सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। सऊदी अरब से दोस्ती के बाद ईरान के सामने अब सिर्फ 2 ही बड़े चैलेंज हैं। ये हैं इसराइल और अमेरिका। बहुत गौर से देखिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल और अमेरिका के लिए क्या कहा। امروز در دکترین جمهوری اسلامی ایران جنگ یا سلطه‌گری بر دیگران وجود ندارد اما حفظ آمادگی نظامی با رویکرد دفاعی برای امنیت پایدار و بازدارندگی फिलिस्तीन और इसराइल के युद्ध ने ईरान को धमकियां देने का नया मौका दे दिया है और उस पर ईरान की परेड इसराइल और उसके दोस्तों के बीच नया खौफ पैदा कर रही है। तेल अबीब से ज्यादा व्हाइट हाउस तक इस परेड के ट्रेलर ने ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि पश्चिम एशिया के दाएं बाएं वाले देश, वहां रहने वाली करोड़ों की आबादी चौकन्नी हो चुकी है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ अमेरिका और इसराइल को भी चैलेंज कर रहा है। ईरान अपनी वार्निंग को हमले में बदलना बहुत अच्छी तरह जानता है। ऐसा उसने जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद करके दिखाया था। साथ में अब यमन में जो परेड हुई, उसने ईरान की ताकत को और बढ़ा दिया है। यमन वो देश है जिसके ज्यादातर हथियार ईरान से ही सप्लाई किए गए हैं।
यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को कई बार डराया है। इजराइल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। जाहिर है कि इजराइल के लिए एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। للسلام العادل والمشرف لكننا في نفس الوقت أيدينا على الزناد لمواجهة أي عدوان وأي اعتداء على بلدنا أو استمرار في قمع شعبنا والاعتداء عليه। यमन का फोकस इस वक्त सऊदी अरब से हटकर उन देशों पर जा पहुंचा है जो उसके साथ ईरान के लिए भी खतरा है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच इस वक्त यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है। यहां बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, ये डर सबको है। लेकिन अब इसराइल के नए दुश्मन भी सामने आने लगे हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती और यमन के साथ उसकी सुलह ने एक तरह से इसराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है, क्योंकि ये दोनों देश अब तक सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मोर्चा बनाना चाहते थे। लेकिन पश्चिम एशिया में आए कूटनीतिक बदलावों ने अब पिक्चर बड़ी कर दी है। यमन और सऊदी अरब के बीच युद्ध खत्म हो चुका है और यमन अब सीधे इजराइल को टक्कर देना चाहता है। लेकिन साथ में यमन की तरफ से एक वार्निंग सऊदी अरब को भी दी जा रही है, जो इस परेड में छुपी हुई है। यमन एक छोटा देश है, बेहद गरीब देश है, लेकिन उसने सऊदी अरब के सामने हथियार नहीं डाले। इसकी वजह है ईरान से मिलने वाली मदद। ईरान ने अपनी मिलिट्री पावर से अमेरिका और इसराइल दोनों को परेशान किया हुआ है। तेहरान में हुई परेड ने इसका एक छोटा सा मॉडल दिखा दिया है। इसलिए बड़ी पिक्चर में युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा है, उसमें ईरान इसराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों की दुश्मनी किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। अब इस परेड में अपने अंदर की आग दिखाकर ईरान ने साबित कर दिया है कि उसके खिलाफ चाहे जितनी भी आर्थिक पाबंदियां क्यों न लगा दी जाएं, उसकी ताकत बढ़ती ही रहेगी। हमास जब लगातार इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है, उसमें ईरान का खतरा कैसे इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है, वो भी समझने की जरूरत है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया है कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इससे आप ईरान के तेवर को समझ सकते हैं। ये ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। ये ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है और खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में ही गिरती है और 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसराइल की कि किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। इसीलिए इसराइल अब लगातार यहां पर घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पास इसका कोई भी विकल्प किसी भी तरीके का नहीं है। ईरान और उसकी मिसाइलें अभी इसराइल से दूर हैं, लेकिन कब ये बम इसराइल पर फटने लगे, इसके बारे में बाइडन भी कुछ नहीं जानते। फिलहाल इसराइल हमास के रॉकेट से जूझ रहा है, जबकि ईरान की मिसाइल तो इससे 100 गुना ज्यादा तबाही मचा सकती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मिसाइल के साथ अपना बहुत खास वीडियो भी शूट करवा चुके हैं। हाल ही में तेहरान में हुए एक डिफेंस शो में खुर्रम शहर मिसाइल के आगे वो चलते हुए नजर आए और फिर ये वीडियो वायरल कर दिया गया। इसमें रईसी 6 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने ईरान की मिसाइल देखी, अब उसका नया ड्रोन देखिए। परेड में ये नीले रंग का ड्रोन इसराइल को सीधा सीधा टारगेट बनाने की तरफ इशारा कर रहा है। हाल ही में इस ड्रोन को लॉन्च करके ईरान ने अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। इस ड्रोन को दिखाकर ईरान ने अपने दुश्मनों का हाथ काटने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उससे जो टकराएगा उसका हाथ कलम कर दिया जाएगा। आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है, ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मोहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं।
کسانی که دستشون به طرف این کشور بخواد به تعدی و تجاوز دراز بشه حتما دست اونها به دست توانای نیروهای ما قطع خواهد شد. क्या यही ड्रोन इसराइल पर भी हमला कर सकता है? ईरान की राजधानी तेहरान में जब ये ड्रोन दिखाया गया तो वहां के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास देखने लायक था। चकाचौंध वाले इस डिफेंस शो में मोहाज़िर 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9 जिसे प्रीडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी भी शामिल था। लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का दावा है कि मोहाज़िर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी ये इसराइल तक एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाजे ड्रोन की तरह हमला कर सकता है। इसी बात को लेकर अमेरिका और इसराइल घबराए हुए हैं। मोहाज़िर 10 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि मोहाज़िर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इसकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। ईरान एक ड्रोन पावर है और दुनिया ये बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि ईरान से युद्ध करना आसान नहीं है। पश्चिम एशिया में ईरान ने अपने ड्रोन पावर की बदौलत ऐसा दबदबा कायम किया है कि इसका खौफ इसराइल तक नजर आता है। इसराइल इस वक्त हमास से मिले झटकों से उबरने की कोशिश कर रहा है। उसकी फौज इस वक्त गाजा के आसपास तैनात कर दी गई है। लेकिन क्या इसराइल ईरान जैसे खतरों से लड़ने के लिए तैयार है? ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इसराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। मोहाज़िर 10 ही नहीं, ईरान अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को लेकर अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुका है। ईरान जानता है कि जब तक उसकी ड्रोन और मिसाइल पावर मजबूत है, ये बात मायने नहीं रखती कि उसकी कमजोर एयरफोर्स इसराइल और अमेरिका के खिलाफ कैसे काम करेगी। دیروز به عنوان یک کشور مصرف کننده و محتاج نگاه دیگران، امروز به عنوان یک کشور تولید کننده و به عنوان یک کشوری که میتونه بالاترین سخنها رو در صنایع دفاعی و نظامی داشته باشه. مهاجر 10 ایران که درون مهاجر 6 کا نیا ورژن ہے اور اب اس میں پرانے ورژن کے مقابلے دو گنا زیادہ فائر پاور ہے۔ امریکہ کا تو یہ بھی الزام ہے کہ ایران اپنا مہاجر 6 ڈرون روس کو سپلائی کر چکا ہے جس سے یوکرین میں لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا نیا ڈرون مہاجر 10 پرانے ورژن مہاجر 6 کے مقابلے کافی بہتر ہے اور اب اس کی یہی طاقت اسرائیل سے لڑنے کے لیے اس کا نیا ہتھیار بن چکی ہے۔